सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, ये जो रूम है इसमें हम रुके थे कर्णप्रिया पर। गाइस, हमारे आने से पहले ये रूम था एकदम फर्स्ट क्लास, और हमारे जाते जाते ये रूम हो गया एकदम बेकार। तो गाइस, हम थक भी बहुत चुके थे, इसलिए हम कुत्तों की तरह सोए। और ये देखिए बालकनी का व्यू। तो जो हमारे नीचे ये रिवर है, ये है पिंदत रिवर, ऐसा ही कुछ है। और धूप भी आ चुकी है, तो गाइस हम निकलते हैं और सफर दिखाते हैं आगे का। निकलने से पहले बाइक को किया जाए थोड़ा गर्म। बाइक हो चुकी है रेडी टू राइड, तो चलो चलते हैं। अभी हम पीपल कोटी पहुंच चुके हैं, तो गाइस आपको एक नज़ारा दिखाता हूं। सच में स्वर्ग है। तो गाइस, जो अभी हमारा सफ़र बचा है वो बचा है बस 52 किलोमीटर का, क्योंकि हमें जाना है गोविंद घाट। तो पहले हम जोशीमठ जाएंगे, जो कि है यहाँ से 33 किलोमीटर दूर। तो गाइस चलो चलते हैं। सो गाइज, अभी हम बद्रीनाथ हाईवे पर हैं, तो चमोली और जोशीमठ के बीच में पतालगंगा ये जगह है। और ये जो टनल है, ये चार धाम परियोजना के तहत बनाई गई है। तो गाइज, पिछले साल जो ये टनल थी वो यहाँ पे नहीं थी, मतलब थी वो, इसका काम चल रहा था, स्टार्ट हो रही थी उस समय, स्टार्टिंग थी इसकी बनने की। तो अभी देखिए पूरी कम्प्लीट हो चुकी है। और गाइज, हम टनल के मज़े ले रहे हैं, पहाड़ों में टनल। तो और आगे का सफर जारी रखते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस, वैसे तो बद्रीनाथ वाला ये जो हाईवे है, ये बहुत प्यारा है, मतलब व्यू से लेकर हर चीज बहुत प्यारी है। बट कहीं कहीं पर रास्ता इतना खराब है कि मतलब वो रास्ता नहीं, पूरा दलदल बन चुका है अच्छे से, क्योंकि अभी हम बारिश के टाइम पे आए हैं और लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हुई है। तो जिससे कि वहाँ पे जो कीचड़ था वो इकट्ठा हो के दलदल टाइप का बन गया है। अभी हम ये वैसे ही रास्ते पे हैं, तो हम तो निकल गए हैं, बाकी पीछे वालों को देखते हैं। मेरे को बताने पर रखना पड़ेगा। अरे यार, तुम्हारा बहुत मजा आया आगे। ये गया सफेद जूते हैं, सोचो। अरे ये तो वो भी ऐसे, अरे यार हैवी ड्राइवर को भाई कैसे बचे। पत्थर देखने के कारण मैंने मेंशन करने का पत्थर जा रहे हैं, जो गाड़ी पड़ गई। ये भाई का जूता भी गया, दोनों गए, दोनों ऊपर में देख रहा हूं, इनका पत्थर भी आने का हो रहा है, मानो तो कौन रखने पड़ गया। अरे वो तो देखो, वहां 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 फट गई। ये जो सिंगल आ रहे हैं ना, देखना इसमें क्या होगा ना, पीछे का टायर घूमेगा। अगर अभी तो मैंने कहा वो देखो, वहाँ देखो सुंदर भाई को देखो। ऑल ओके ओके रिपोर्ट। वो देखो, अब देखो। अबे यार, तुमने ये क्या किया पहले ये बताओ, उतरे क्यों तुम? अरे ये कह रहा पीछे कर बत्तर। अरे पत्थर आ रहे थे पता है, कसम से वहाँ देखो। तो इतनी सारी जंतोजहद और छोटी मोटी मुसीबतों से निकल के हम आखिरकार जोशीमठ में प्रवेश कर चुके हैं। ओ माय गॉड, और यहाँ पे ये झरना, यहाँ पे रुकना तो बनता है। गाइस, थोड़ी फोटो वोटो लेते हैं और थोड़ी वीडियोस लेते हैं,
और ऐसा नजारा देखने को कहाँ मिलेगा हमें दोबारा, तो रुकना ही पड़ेगा ना, तो रुकते हैं और फिर आगे को चलेंगे। यहाँ पे से गोविंद घाट 20 किलोमीटर है और वहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क कर देंगे और उसके बाद हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। और ये हम गोविंद घाट के अंदर आ चुके हैं। तो भाई जैसे ही हमने गोविंद घाट पर प्रवेश किया ही, गोविंद घाट ने हमारा ऐसा स्वागत किया कि हमारी एक गाड़ी जो है वो पंचर हो गई है, तो वो देखते हैं इसमें क्या हुआ है। अरे फटा है क्या टायर यार, ये फट गया है यार टायर, ये क्या ये क्या है? पहली बार टायर फट गया सर, फट गया, ये बड़ा तगड़ा कट लगी है। सुमित भाई की गाड़ी का टायर फिर से पंचर हो चुका है दूसरी बार, तो अभी यहाँ से जो फूलों की घाटी है वो भी मेरे ख्याल से सात, थोड़ी माफी चाहता हूँ ये आवाज के लिए, मतलब जो फूलों की घाटी है वो यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर है, तो अभी इनका पंचर देखते हैं कब तक सही होता है। तो और फिर थोड़ा सा खाना भी खाएंगे हम थोड़ा सा ही आगे यहीं पर ही, तो बाकी उसके बाद सीधे ट्रैक पे। ओके गाइस, तो गाइस अभी खाने का वेट कर रहे हैं हम, उसके बाद हमें फूलों की घाटी के लिए निकलेंगे। तो मैंने तो चावल और दाल ऑर्डर करी है और सुमित भाई ने भी वही ऑर्डर करी है, और पीछे वाले खा रहे हैं पराठे मजे लेते हुए बिल्कुल। तो भाई ये खा के फिर चलते हैं आगे। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं फूलों की घाटी पे और यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क हो चुकी है सारी, चला जाए ट्रैक पे। तो गाइस अपना ट्रैक हो चुका है स्टार्ट और हम पहुंच ही चुके हैं फाइनली फूलों की घाटी, मतलब पहुंचे नहीं है अभी वहाँ भाई, चार कितना है रे, कितना किलोमीटर है भाई? 10 किलोमीटर अभी हमें पैदल चलना है खड़ी चढ़ाई। तो हम लग चुके हैं पद यात्रा पे, कोई डंडी लेके कोई, तो कोई बिना डंडी लेके। हाँ तो गाइस देखिए मेरे साथ नाइंसाफी हुई और मुझे ये 2.5 किलो का बैग दे दिया गया, और लड़के थक चुके हैं बिल्कुल, और मैंने मेरे ख्याल से 100 सीढ़ियाँ, 100 तो नहीं 50 सीढ़ियाँ चढ़ गया हूँ मैं, और लड़के हैं कहाँ अभी तक, दूर दूर तक उनका पता नहीं है। बस एक कुत्ता आ रहा है पीछे से, ऐसे ही पिछले साल जब हम केदारनाथ गए थे वहाँ भी एक कुत्ता आया था, 2 कुत्ते थे वो, तो उन्होंने हमें पूरा केदारनाथ तक छोड़ा था पूरा, वो 18 किलोमीटर हमारे साथ पैदल पैदल हमें ऊपर तक छोड़ने आए थे। अब ये भोले की कृपा है कि क्या है मुझे नहीं पता, बट जो भी था अच्छा ही था। वैसे ही इस ट्रैक पे भी एक अपने साथ एक कुत्ता लगा पड़ा है पीछे पीछे, मुझे वही दिन याद आ गया। और सुमित भाई कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। ये अपने सुमित भाई हैं नैनीताल के निवासी, निवास स्थल नैनीताल, तहसील नैनीताल, नैनीताल। तो गाइस मिलते हैं अभी, अभी 200 सीढ़ियाँ और चढ़नी है मेरे ख्याल से इस ट्रैक पे। कहीं है बहुत ज़्यादा धूप और कहीं है बहुत ज़्यादा छाया। हे प्रभु कैसी है तुम्हारी ये माया, पूरे छाया छाया दे दो यार, धूप से सर में खुजली हो रही। तो मेरे ख्याल से हमने 1 किलोमीटर क्रॉस कर दिया होगा अभी अभी। तो गाइस अभी हम थक चुके हैं, ये बिल्कुल सेम केदारनाथ वाला ट्रैक है और मेरे उससे आधा है मतलब, बट चढ़ाई चढ़ाई सेम है मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा ही होगी। तो अपने साथ उर्वेश भाई हैं
इनकी भी हालत खस्ती हो रही है, तो अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, फिर आगे को बढ़ते हैं। और गाइज इन रास्तों से अच्छा शॉर्टकट पे ज़्यादा ही ध्यान दें ऐसे ट्रैकों पे, क्योंकि ये आपके किलोमीटर बचा सकते हैं या मीटर, ये आप इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, जैसे हमें हो रहा है, देखो अभी हम इतना चल के आते, अभी हम यहाँ पे बस थोड़ी सी ऑफ रोड है और सपोर्ट भी तगड़ा है इन पत्थरों का, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो फिर से हमने अब तक 150 मीटर बचा लिए। तो गाइस अभी हमें 2 किलोमीटर हम आ चुके हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कभी भी आप आते हो तो 2 किलोमीटर बाद आपको यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे होटल टाइप के मिलेंगे जहाँ पे आप खाना आना खा सकते हो। हम तो खा के आए हैं क्योंकि अभी अभी खाया है, ये तो हम भी यहीं पर रुकते। तो और गाइज एक चीज़ आपको हमेशा बता दूँ, कभी भी आप ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं या कहीं भी केदारनाथ हो गया या ये फूलों की घाटी हो गया, कोई भी A to Z कोई भी ट्रैकिंग पे जाएंगे जाते हैं मतलब, तो गाइज आप कभी भी जो अपना जो आप पहला किलोमीटर चलते हैं उसमें कभी भी दौड़ना मत, क्योंकि गाइज अब अगर पहला किलोमीटर दौड़ गए तो उसके बाद तो आप बाकी के किलोमीटर बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। चल पाओगे बट आपको आधा घंटा रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है और हमारी हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए अगर आप दौड़ेंगे नहीं वो आप ही के लिए अच्छा है, या आप हीरो ना बनना चाहें, क्योंकि हमारे साथ के भी एक दो ऐसे ही थे तो वो आ ही रहे हैं पीछे से। तो गाइस बस बाकी ऊपर ही पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आपको। बस 3 किलोमीटर बाद थोड़ी सी ढलान आनी स्टार्ट हो जाती है जिसमें चलने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, तो हम तो बस मजे से जा रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस चढ़ाई में दिक्कत है, ढलान में तो नो प्रॉब्लम, टू इजी। तो भाई अभी यहाँ पे हम रुकेंगे और थोड़ा सा पानी पियेंगे, पहाड़ का ठंडा ठंडा पानी। गुड मैन, हाँ थोड़ी राहत मिली और आगे का सफर फिर से शुरू। घोड़ों में भी आ सकते हो, पैदल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके अंदर दम नहीं है तो आप घोड़ों में बैठ के आ सकते हो, वरना हमारी तरह खच्चर, सॉरी माय बैड। तो गाइस अब जो है अपनी बिल्कुल अच्छी तरीके से फटने वाली है, क्यों मैं आपको दिखा, देखिए ये है पूरी खड़ी चढ़ाई, छी यार अब इसको पार करना है। अगर इतनी चढ़ाई मिली ना तो गाइस वो मज़ा भी किरकिरा हो जाता है जिस मजे के लिए आए होते हैं। देखो ना कितनी बड़ी चढ़ाई है, तो भाई वाट लगने वाली है गाइस। तो देखो यहाँ सफाई भी चलती है। हाँ जी भैया, कितने टाइम में सफाई करते हो यहाँ की रोड की? अरे सर यहाँ तो 20 सालों का काम करते हुए, 20 साल रेगुलर रोज काम होता है यहाँ सफाई सफाई रोज ही होता है सर। ये देखो गाइस कितना साफ है ट्रैक, वैसे डेली सफा करते हैं, सही है सही है, काम सही हो गया सर सफाई। हाँ सफाई सही हो रहा है, बस तुम बताओ अपने। बढ़िया सब बढ़िया। प्रेस वाले हो क्या? ना ना प्रेस वाले नहीं है, ब्लॉगर हैं यार हम। चलो फिर। हाँ तो गाइस जैसा कि आपने देखा साफ सफाई बहुत है, ये सिर्फ एक ड्रामा है,
पैसे ऐड नहीं का हुआ है ये, जो पर्यटक आते हैं जैसे हम लोग टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ तो उनसे पैसे लेने के लिए ये लोग खड़े रहते हैं, और कुछ नहीं है, ये सब इनके ड्रामे हैं। देखा ना आपने सचिन भाई ने अपने पर्स से पैसे निकाल के दिए, कुछ तो पैसे बचे हैं सचिन भाई के पास अब वो भी दे दिए, हम लोगों का क्या होगा सचिन भाई, हम भी सफाई करते हैं। देखो यहाँ पे भी लैंड स्लाइड हुआ है, वो भी बहुत तगड़ा वाला, ये पुल पता नहीं कैसे बच गया। ये देखो इसका मलबा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और ऊपर का व्यू देखो। तो गाइस छू लेते हैं यहाँ पे की जमीन, मिट्टी आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि जो 70 डिग्री चढ़ाई है वो शुरू हो चुकी है। तो हम अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। यार पता नहीं खत्म क्यों नहीं हो रही है ये ट्रैक, कैसी भूल भुलैया है भाई ये। चलते रहो, मंजिल कब आएगी कुछ पता नहीं, लेकिन सफर का फल मीठा होता है। वहाँ का व्यू अच्छा होना चाहिए, बस दिल खुश हो जाए। मैंने देखा नहीं है और ना ही गूगल पर सर्च किया, अभी देखते हैं कैसा है व्यू, चढ़ाई करते हैं। बैटरी भी नहीं है फ़ोन में ज़्यादा, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। इसको तो बढ़िया, अभी हम एक जगह रुक गए हैं, थोड़ा सा स्नैक टाइम चल रहा है, 20 रुपए का बिस्कुट है, वैसे 10 का है, बट ऑब्वियसली बात है इतना ऊपर आ रहा है तो उसमें टैक्स टूक्स इनका जो जो लगा इनकी मेहनत, तो 20 रुपये ले रहे हैं। बस थोड़ी सी एनर्जी आती है तो सीधे ऊपर को भागते हैं भाई साहब। केदारनाथ से भी भयंकर ट्रैक है भाई, ऑक्सीजन की कमी लग रही है, पता मुझे ऑक्सीजन की कमी नहीं है। 5 बज गए भाई, 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर का कवर हो वो कह रहा था, 2 घंटे लगेंगे यहाँ पे वाले वो लंबे बाल, यहाँ से 2 घंटे और ऊपर रात हो जाएगी। तो भाई खासे चलते हैं। तो गाइस हम अभी हम गंगरिया पहुंच चुके हैं, देखिए गंगरिया के स्टार्टिंग में आपको ये टेंट हाउस दिखेंगे, ये हम ही लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पे पर बंदा 1500 रुपये है और हमारी इतनी औकात नहीं है, तो हम आगे जाके मार्केट पे रुकेंगे गंगरिया की। तो गाइस अभी जो है यहाँ से बस 3 थोड़ा जुकाम भी हो गया, यहाँ से बस 3 किलोमीटर बचा है अपना वैली ऑफ फ्लावर। तो अभी हम भैया क्या नाम बताया, गंगरिया, तो अभी हम घाघरिया पे रुके हैं, और घाघरिया पे आपको दो चीज़ मिलेगी, एक तो यहाँ से मतलब एक जो पहला टेंट हाउस आएगा वहाँ के रेट है 1500 रुपये पर हेड, और जहाँ पे अभी हम रुके हैं तो वहाँ का रेट है 400 रुपये, मतलब हमने 3 जो रूम लिए वो टोटल 1300 में लिए। तो आपको मैं रूम वूम दिखा देता हूँ, कभी आपका मूड बने तो आप देख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा वहाँ रहने की है, पैसे वाले हो तो 1500 में रुक सकते हो, वरना 400 रुपये के मैं भी कोई गंदा बेड नहीं मिल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसा है, तो आप रूम देखते हैं। यह है 400 रुपये वाला रूम, डबल बेड, बाथरूम सब दिखा देता हूँ आपको। यह है बाथरूम, और ये सिंक, तो अपनी शक्ल देखो, गंदा हो रहा है थोड़ा सा शीशा इसका, कोई बात नहीं, बट रूम देखिए आप, इट्स टू गुड। और हो जाता है यार, ना भी करे तो चलता है ये। अब ये बताओ सफर का कैसा रहा, अरे यार तुमने पहले, तुम लोगों ने पहले कहा 4 किलोमीटर है वहां से, वो कहा था गंगा, क्या है वो गंगा घाट है, गंगा
जहाँ से स्टार्ट किया, गोविंद घाट। अरे गोविंद घाट था वो, वहाँ से 4 किलोमीटर बोला था इन्होंने, लेकिन आते आते वो मेरे ख्याल से 12-13 किलोमीटर हो गया। तो गाइस, अरे बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी हमने खाना आना खा लिया है और अभी सोने का टाइम हो चुका है। अब यहाँ से जो है फूलों की घाटी एग्जैक्ट 3 किलोमीटर है, और जो इससे पहले हम बोल रहे थे वो सब दिमाग में, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, किसी को पता नहीं था, तो वो सब गलत हो गया। तो यहाँ से जो है 3 किलोमीटर पे है एग्जैक्ट। तो गाइस कल सुबह हम 5 से 6 बजे के बीच में निकलेंगे वहाँ को, बाकी वहाँ पहुँच के फिर दिखाते हैं व्यू आपको। फाइनली पहुँच ही जाएंगे कल, आई थिंक सो, वरना क्या पता एक जगह और रेस्ट ले ले 1 किलोमीटर बाद, थके तो बहुत है। चलो गाइस, सी यू टुमारो।